मुगलों को विनाशकारी बताने पर भड़के नसीरुद्दीन शाह, बोले ताजमहल और लाल किले को गिरा क्यों नहीं देते। उसके बाद जनता ने उन्हें कैसे सबक सिखाया, आज इस खबर में आपको दिखाएंगे। नसीरुद्दीन शाह अपनी बेबाक बयानी से एक बार फिर से चर्चा में हैं। अपनी वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड की रिलीज से ठीक पहले दिग्गज एक्टर ने मुगलों को विनाशकारी बताने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर इस देश के साथ मुगलों ने सब कुछ बुरा ही किया है तो लाल किला और ताजमहल जैसे स्मारकों को जमींदोज कर देना चाहिए। देश में मौजूदा वक्त में स्वस्थ बहस के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए जिन्हें उनके विचारों का विरोध करने की आदत है वो उनकी बात को कभी समझ नहीं पाएंगे। नसीरुद्दीन शाह ने ये बातें ऐसे वक्त में कही हैं जब हाल के दिनों में ही सरकार के मंत्रियों ने मुगल काल की लगातार आलोचना की। बीते कुछ साल में नाम बदलने की भी बयार चली है। 40 गांवों के मुगल युग के नाम बदल दिए गए। राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर भी अमृत उद्यान कर दिया गया। अब वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड G5 पर रिलीज होने वाली है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने राजा अकबर का किरदार निभाया है। सीरीज की कहानी मुगल साम्राज्य के बंद कमरों में सत्ता के खेल और उत्तराधिकारी चुनने के बारे में है। और आज जब मुगल काल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं तो एक चैनल से बातचीत में नसीरुद्दीन शाह कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है और ये बहुत ही हास्यास्पद है। मेरा मतलब है कि ये वो लोग हैं जो अकबर और नादिर शाह या बाबर के परदादा तैमूर जैसे जानलेवा आक्रमणकारी के बीच में अंतर नहीं बता पाते, फिर भी ये ऐसी बातें और दावे कर रहे हैं। ये वो लोग थे जो यहाँ लूटने आए थे। मुगल यहाँ लूटने नहीं आए थे, वो इसे अपना घर बनाने के लिए आए थे और उन्होंने यही किया। उनके योगदान को कौन नकार सकता है। वो यही नहीं रुके, नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा कि वो लोग जो ये कह रहे हैं वो भी कुछ हद तक सही है कि मुगलों को हमारी अपनी स्वदेशी परंपराओं की कीमत पर महिमा मंडित किया गया है। शायद ये सच है, लेकिन उन्हें खलनायक बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर मुगल साम्राज्य इतना ही राक्षसी था, विनाशकारी था, तो उसका विरोध करने वाले उनके बनाए स्मारकों को क्यों नहीं गिरा देते। अगर उन्होंने जो कुछ भी किया वो भयानक था तो ताजमहल को गिरा दो, लाल किले को गिरा दो, कुतुब मीनार को गिरा दो। लाल किले को हम पवित्र क्यों मानते हैं, इसे एक मुगल ने बनवाया था। हमें उनका महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें बदनाम करने की भी जरूरत है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि नसीरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जनता आखिर क्या बोल रही है। रंजीत सिंह कहते हैं, नसीरुद्दीन शाह की मानो तो मुगल भारत में विकास की गंगा बहाने आए थे। बेटा नसीरुद्दीन मुगल आतंकी थे। आपको मुगलों से मोहब्बत है तो चाइना चले जाओ, वहाँ मुगलों की औलादों के साथ चाइना जाति करता है। प्रेम सनातनी कहते हैं, बसने नहीं भारत को गजवाए हिंद करने आए थे। हिंदू देश पर आक्रमण किया और मंदिर तोड़े, लुटेरे और इस पर इस्लामिक चिन्ह गुम्बद चिपकाए तथा लाखों निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं की और धर्म परिवर्तन करवाया। भारत में आज जितने भी मुस्लिम हैं ये वही हैं जो तलवार के डर से सलवार पहने थे। अनिल बहल कहते हैं, भारतीय मुसलमानों की एक विडंबना है, ना तो ये अपने को सनातनी मानने को राजी हैं, ना इन्हें अरबी मुसलमान अपने बराबर मानते हैं। अपनी पहचान अलग बनाने हेतु ये इस्लाम की व्याख्या अपने तरीके से करते हैं। इस्लाम को सही सिद्ध करने हेतु मुगलों का गुणगान करते हैं, क्योंकि धर्मांतरण की कुंठा है। एक और ट्विटर यूजर कहते हैं कि नसीर मियां को बोलो ताजमहल और लाल किला गिरा दे, और नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और हमारे हर मंदिर में गुरुकुल था वो बनवा दे, हमारे जलाए हुए ग्रंथ फिर से लिखवा दे, हमारे काशी महादेव, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और 40,000 विध्वंस किए हुए मंदिर बना दे और यहाँ से दफा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर नसीरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद किस तरह से उन्हें लताड़ने की होड़ लगी हुई है। हर कोई उन्हें ये बताने की कोशिश में लगा है कि अगर आपको मुगल इतने ही पसंद है तो आप वहीं क्यों नहीं चले जाते। फिलहाल नसीरुद्दीन शाह के इस बयान को लेकर बवाल मचना तय है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।